ध्रुव कोचिंग क्लासेस आपका स्वागत करता है बहुत जोरदार रिजल्ट देने के बाद में। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जयपुर के रिजल्ट का, ऑल इंडिया के रिजल्ट का और साथ ही साथ में ध्रुव कोचिंग क्लासेस के रिजल्ट का। चलिए तो शुरू करते हैं धर्मेंद्र सर के साथ में। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। 23 तारीख को आपका रिजल्ट आया है। सबसे पहले तो उन सबको शुभकामनाएं जो CMA फाउंडेशन इंटर और फाइनल को क्लियर कर चुके हैं। थोड़ी सी बात रिजल्ट के बारे में करते हैं कि इंस्टीट्यूट जून 2018 का जो रिजल्ट आया है वो थोड़ी सी मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरमीडिएट जून 2018 में बोथ ग्रुप जिन्होंने दिया था उनका पासिंग परसेंटेज रहा है 16.11 और जो जून 2018 में फाइनल एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया है, जो बोथ ग्रुप जिन्होंने एक साथ दिया है उनका परसेंटेज रहा है 21.83% ऑल ओवर इंडिया का रिजल्ट। इसके अंदर से कई ऑल इंडिया रैंक भी आई है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह से आई है। मैं आपके साथ इस वीडियो में हम नॉर्थ इंडिया में जितनी रैंक आई है और उन रैंक लाने में किन किन का कैसे कैसे योगदान रहा है इनके बारे में आपसे बातें करेंगे। तो अक्सर सर आपको बताएंगे कि जयपुर चैप्टर से कैसे कैसे कितनी कितनी रैंक आई है। धन्यवाद सर। अगर सर हम रिजल्ट का डेटा देखें तो इंटर और फाइनल मिलाकर के टोटल हमारे यहाँ से 13 रैंक्स आई हैं, जो कि काफ़ी अच्छा डेटा है अगर हम देखा जाए तो, और शायद ये अभी तक का हाईएस्ट रैंक्स का डेटा भी रहा है जयपुर की तरफ से। यदि 13 रैंक में देखें तो 8 रैंक जो आई है वो ध्रुव कोचिंग क्लासेज में से आई है। तो वो कौन कौन सी रैंक है एक बार जानते हैं उनके बारे में। तो देखिए, जो रैंक है पहली है हिरेंद्र लाखोटिया ऑल इंडिया एर्थ रैंक, निष्ठा नथानी ऑल इंडिया 24 रैंक, प्रिया सेन ऑल इंडिया 26 रैंक, राघव माहेश्वरी ऑल इंडिया 27 रैंक, मोहित लाखोटिया ऑल इंडिया 45 रैंक। ये थी इंटर की रैंक्स। और CMA फाइनल के बारे में बात करें तो तराश जैन ने जगह बनाई है ऑल इंडिया 42 में, दिलीप सोलंकी ने ऑल इंडिया 44 में, चंचल विश्नानी ने ऑल इंडिया 44 में अगेन। तो सर ये कुछ रैंक्स हैं, काफी अच्छी रैंक्स हैं। और जहां मैं फाउंडेशन की बात करूं तो जयपुर के टॉप 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स जो है वो ध्रुव कोचिंग क्लासेस से रहे हुए हैं। देखिए सर, एक सवाल जनरली बच्चों के मन में होता है कि ऑल इंडिया रैंक के क्या फायदे हैं और ये ऑल इंडिया रैंक करने के लिए क्या कोई खास तैयारी करनी पड़ती है क्या? तो थोड़ा सा बच्चों के आप इस बारे में थोड़ा सा और गाइड करें। सर देखिए, ऑल इंडिया रैंक के कई सारे फायदे होते हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक आई है और उनसे हम जब मिलते हैं जानते हैं तो सबसे बड़ा फायदा तो एक मिलता है उनको कैंपस प्लेसमेंट के अंदर। कई सारी कंपनीज जो है वो शॉर्टलिस्टिंग के क्राइटेरिया में भी ऑल इंडिया रैंक को रखती है, और जिस स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक हो और फर्स्ट अटेम्प्ट हो और बीकॉम में 60% हो तो ये तो सोने पर सुहागे समान हो जाता है। सर देखिए, ये किस तरीके से होता है, जब कंपनी शॉर्टलिस्टिंग करती है तो वो कुछ क्राइटेरियाज रखती है। उनके मेन क्राइटेरिया जो होते हैं वो एकेडमिक होते हैं, जैसे इंडियन ऑयल हो गई, वेदांता हो गई, इनका ज़्यादा फोकस अकेडमिक्स पर रहता है। और वेदांता का तो बिल्कुल बिल्कुल रहता है सर, अगर वेदांता में आप अच्छे अकेडमिक्स वाले हो तो श्योर आपकी शॉर्टलिस्टिंग भी आएगी और आप सिलेक्ट भी होंगे। और आपकी बात पे सर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि ऑल इंडिया रैंक या मैं कहूँ कि CMA इन फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे निकालें, इसमें इसको क्लियर करने के ना टोटल 3 फैक्टर होते हैं। अगर मैं तीनों के बारे में एक मिनट तक आपसे चर्चा करूं कि पहला जो फैक्टर है वो होता है कोचिंग क्लासेस का, कि आप प्रॉपर गाइडेंस से कोचिंग करते हैं कि नहीं करते। क्लासेस का जो मुझे लगता है योगदान रहता है पढ़ाई में 10% के आसपास, कि बढ़िया कोचिंग है 10% के आसपास आपको योगदान रहता है। उसके अलावा 50% जो योगदान रहता है आपकी पासिंग परसेंटेज और आपकी ऑल इंडिया रैंक में वो रहता है टेस्ट सीरीज प्लस पर्सनल गाइडेंस। टेस्ट सीरीज में आपको ये पता चलता है कि आपकी गलतियां कहां-कहां हैं, आपकी गलतियां हैं उनको पॉइंट आउट करके आप उनको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हो। और जो तीसरा जो 40% के आसपास रहता है वो रहता है आपकी सेल्फ स्टडी। तो ये जो 3 फैक्टर हैं, अगर आप इन 3 फैक्टर पे ईमानदारी से काम करते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सीड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और या मैं कहूँ कि आपकी ऑल इंडिया रैंक भी आ सकती है। और सर ने अभी बताया आपको ऑल इंडिया रैंक के क्या फायदे हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक के बारे में एक विस्तार से चर्चा के लिए हम एक वीडियो और बनाएंगे, और अंत में
अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो जून 2018 का जो रिजल्ट है उसमें 1240 लोगों ने सीएमए पास किया है। अब उनको मेरी शुभकामनाएं हैं और आने वाले कैंपस प्लेसमेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक है। उसकी तैयारी कैसे करें, कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड कैसे करें, उनकी जानने के लिए हम एक वीडियो और बना रहे हैं, जल्दी ही वो भी अपलोड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुव कोचिंग क्लासेस पेज को सब्सक्राइब कीजिए आगे कैंपस प्लेसमेंट के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। ऑल इंडिया रैंक कैसे लाई जाए सीएमए के अंदर और अदर एग्जाम्स के अंदर भी, और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स के पर्सनल इंटरव्यू देखने के लिए हमारे साथ में जुड़ी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।